तो फाइनली नूरा फतेह आ गई और इनका शूटिंग अभी चालू हो चुका है। राज्य के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के मैदान में खेल चाहे साइकिलिंग का हो या स्केटिंग का, हार गए तो जान जा सकती है। तो दोस्तों फिल्मों में इस तरह से कुछ बड़ा बड़ा लाइट लगा के बड़ी बड़ी पिक्चर की शूटिंग होती है। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वर्करों का जिंदगी, किस तरह से फिल्म सेट पे हम लोग वर्कर काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितना भागदौड़ है, कितना रिस्क लेके काम करते हैं, सारी चीज दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। टोटल पैसा बता दूँ तो आप लोगों को, हम लोग का हो गया आज का बताता हूँ खाली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज काफी खतरनाक शूटिंग है भाई, विद्युत जयमाल जी का शूटिंग है, क्योंकि हम लोग कल जिसे शूटिंग होने से पहले जाता है डीओपी डायरेक्टर ये सब और बेस्ट बॉय सब जाता है ऑपरेटर ऑपरेटर, तो हम लोग साथ में गए थे जाके चेक किए, मतलब वहाँ पे देखा जाता है कहाँ कहाँ लाइट लगाया जाता है। तो हम लोग गए थे तीन आदमी देखने कहाँ कहाँ सामान वामान लगेगा, तो हमको ये मालूम है से क्या शूट है वहाँ पे भाई। जो क्रेक पिक्चर आया था ना उसी को हॉट स्टार पे डाला जा रहा था, उसी का वीडियो बनेगा, जैसे ट्रेलर टाइप का कुछ बनता है प्रमोशन। तो चलिए भाई वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला। और आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग को कितना पैसा मिलेगा। टोटल ढाई दिन शूटिंग हुआ है, दो दिन और फिर एक दिन और डेढ़ दिन, तो ढाई दिन हो गया, ढाई दिन शूटिंग हुआ, कितना पैसा मिला है ये सब बात बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो में, जो कि ये बिले पार्ले में पड़ता है और स्टूडियो का नाम है गोल्डन तंबाकू स्टूडियो। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे लाइट सेटअप लगेगा और डीओपी हम लोग को यहाँ पे जगह बता देगा, हर सेटअप एक एक जगह जगह हम लोग को बता देगा, फिर हम लोग कल आएंगे यहाँ पे शूट करने। हाल ही दोस्तों हम लोग का शूटिंग का गाड़ी निकल चुका है, जो कि दो गाड़ी है और एक में मैं बैठा हूँ, ये गाड़ी पहुँच चुका है। तो चलिए स्टूडियो में मिलते हैं। स्टूडियो में पहुँचते ही अपने पिकअप का सामान उतर चुका है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये वीडियो है ढाई दिन का, ढाई दिन तक हम लोग क्या किए, कितना काम किए और कहाँ कहाँ पे सेटअप तैयार हुआ, काफ़ी ज़्यादा भाई मेहनत हुआ, कैमरे के पीछे हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना भाग दौड़ करते हैं, ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है इस वीडियो में। फिलहाल देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे दूसरे किसी का शूट चल रहा है, देख सकते हैं इधर लाइटिंग हुआ है, इधर बाजू में ही शूट चल रहा है दूसरे आदमी का, और हम लोग का अंदर में शूट है जो कि दो मंजिला पे है और वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, पैदल चल के ही उस पर सामान चढ़ाना है भाई। तो अभी सामान चढ़ाना ऊपर चालू हो चुका है और हम लोग सामान काफ़ी चढ़ा चुके हैं और ये लास्ट बचा है, देख सकते हैं कितना भारी है भाई, ये कम से कम 30-35 किलो का आता है और भाई साहब अकेले हैं उठा के ले जा रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं ये है बाहुबली। तो हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद में देख सकते हैं कितना सारा सामान को हम लोग ऊपर चढ़ा चुके हैं, ये है भाई दो मंजिला पर, इतना बड़ा बड़ा लाइट को स्टैंड को देख सकते हैं, पूरा एक घर भर दिया हम लोग ऊपर चढ़ा कर। तो भाई मैं अकेले ही नहीं चढ़ाया हूँ, हम लोग 7-8 आदमी मिल के इसको इतना चढ़ाए हैं। तो भाई बहुत लोग ये सोचते होंगे कि फिल्म बनाना आसान है, भाई देख सकते हैं कितना वर्कर, लगभग यहाँ पे 250 मेंबर्स है जो वर्कर है, 250 वर्कर इसमें काम कर रहा है और अभी ये देख सकते हैं कितना सारा लाइट आया है, ये सारी के सारी अभी हम लोग सेटअप करेंगे। सेटअप तैयार करने में हम लोग को आज एक दिन लगेगा, आज शूटिंग नहीं होगा, सिर्फ आज सेटअप तैयार होगा, आज सिर्फ लाइटिंग होगा। तो दोस्तों एक पिक्चर बन के आ जाता है और उसको हम लोग देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है, लेकिन उसके पीछे हम वर्करों का ये है भाई मेहनत। भाई एक हम ही वर्कर नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट वाले हैं, सब डिपार्टमेंट के आदमी इसी तरह से मेहनत करते हैं। फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं ये लाइट वाले डिपार्टमेंट का है लोग, और नीचे से लाइट को ऊपर चढ़ाना है और देख सकते हैं ये देख सकते हैं ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ा के फिर वहाँ पे लाइट सेटअप करना है, तीन लगेगा। चलिए फाइनल हो जाएगा तो दिखाऊंगा, फिलहाल ये अभी स्टूडियो देख सकते हैं अंदर से ये है, ये पूरा भर जाएगा भाई। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लाइट को ऊपर खींचा जा रहा है, रस्सी में बांध के ऊपर खींचा जाता है और दो तीन आदमी मिल के चढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लाइट भारी होता है भाई, काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। और मैं अंदर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं अंदर वाला हूँ, ये लोग बाहर वाले हैं, ये लोग बाहर का लाइटिंग कर देंगे, बाहर लगाएंगे, और मैं अंदर वाला लाइटिंग वाला हूँ तो मैं अंदर का लाइटिंग करूँगा। हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब हम लोग अपने में बांट लेते हैं कि भाई तुम लोग इधर करना, हम लोग अंदर करेंगे। तो ये लोग बाहर में जो भी है ऊपर चढ़ चढ़ के लगाने वाला, ये भाई लोग लगाएंगे, हम लोग अंदर लगाएंगे। तो ये होता है अपना एक काम करने का तरीका। इतना जोर उठा रहा है वो नीचे दब जाएगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग कितना रिस्की काम होता है और ये भारी, समझ सकते हैं ना कितना है से।
बहुत रिस्की काम होता है और इस पे देख सकते हैं पतला पतला लकड़ी लगाया हुआ है, उसी पे खड़ा है लोग और उसी पे लाइट लगाया जाता है, मतलब काफी ज्यादा रिस्की वाला काम है। तो दोस्तों अब हमारी अंदर का काम चालू हो चुका है, देख सकते हैं अभी ऊपर कपड़ा बंधा रहा है। अब बता दूं आपको ये कपड़ा क्यों बांधा जाता है, नीचे से लाइट मारा जाएगा ऊपर कपड़े के ऊपर और बाउंस होकर पूरा स्टूडियो में फैलेगा और नीचे आर्टिस्ट रहेगा, तो इसके लिए ये कपड़ा बांधा जाता है और फेस लाइट के लिए अपना एक्स्ट्रा ट्यूब लगाया जाएगा। तो इस तरह से अपना लाइटिंग हो रहा है अभी, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, क्रैक। तो ये इसी पिक्चर का मतलब प्रोमो शूट हो रहा है जो कि ये हॉट स्टार पे जाने वाला है और ये पिक्चर रिलीज हो चुका है, विद्युत जयमाल जी का है और नोना फत्या का है। तो भाई साहब ये देखिए कहाँ पे चढ़ा है, ऊपर से हाथ हिला रहा है। तो ये है भाई रिस्क, और रिस्क में ही इश्क है और इश्क में ही भाई मजा है। तो दोस्तों इसको रूस्टम बोलते हैं और ये चक्का वाला होता है, व्हील वाला, और इसको आप लोग देहाती भाषा में सीढ़ी भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं। इसको जहां धकेल के ले जाइएगा वो फिर चढ़ के अपना काम कर सकते। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि फिल्मों में डिपार्टमेंट कितना होता है वर्करों का जो काम करने वाले हैं, भाई इसमें अनगिनत डिपार्टमेंट होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग काम होता है और अलग अलग आदमी होते हैं। देख सकते हैं जो क्रेक लिखा हुआ है उसका एक पर्सनल आदमी आया है, आर्टिस्ट जो उसको लिख रहा है, तो सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और हर आदमी को भाई काम है यहाँ पे, हर आदमी का काम। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े फिल्मों में पुराना पुराना दीवार आता है जो झड़ता है पेंट उसका, इसी तरह से पेंट उस पर मारा जाता है और उसका सीन लिया जाता है। और बहुत ऐसा घर रहता है जो ओरिजिनल में पुराना रहता है, वहाँ पर जाकर शूट किया जाता है। फिलहाल अभी देख सकते हैं इसको डुप्लीकेट किस तरह से बनाया जाता है। भाई आप लोग को तो मैं खाना बताना भूल ही गया भाई, खाना का वीडियो मैं नहीं बना पाया। फिलहाल आप लोग को मैं नाश्ता दिखा रहा हूँ, एक केला है और घुघनी है, चना का जो घुघनी होता है ना वो है, और समोसा है, और सारा चीज़ था जो मैं नहीं खाता हूँ तो मैं नहीं लिया। भाई ये जो भाई साहब मेहनत कर रहे हैं ना, ये बुरा कब लगता है मालूम है, जब पैसा नहीं मिलता है तब। लेकिन भाई जिस प्रोडक्शन में आज हम लोग काम करने आए हैं ये बहुत अच्छा और प्यारा प्रोडक्शन है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें काम करते हैं और हम लोग को 10 दिन के अंदर में पैसा मिल जाता है, और पैसा एक रुपया भी भाई नहीं करता है तो बहुत खुशी होता है, और काम भी करने में मजा आता है, और काम भी हम लोग बहुत प्यार से करते हैं और दिल से काम करते हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं हाथी को लेकर भाई सब खड़े हैं। भाई ये कौन सा लाइट है? ये 90 है। हाथी है ना? हाथी का बच्चा है। कितने का आता है? इसका तो दाम 20 के आसपास। 20 लाख? ये है हाथी। देखो अभी डिमर वहाँ से ऑन ऑफ करेगा, देखो अभी पूरा फुल कर रहा है, फुल किया है और इधर एक कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कपड़ा लगेगा अभी, फिर उसे बाउंस होगा लाइट। अकेला ये संभाल लिया पूरा, इधर क्रेक का लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये टैलेंट है तो आप भी इस तरह का लिख लिख कर पैसा कमा सकते हैं, और देख सकते हैं कितना प्यारा लिखा है, ऐसा लग रहा है कि गूगल से लिखा हुआ है। भाई फिल्मों को बनाने के लिए बहुत सारा टैलेंट का जरूरत होता है, देख सकते हैं उजला व्हाइट शीशा को पूरा एक कलर करके ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन का पुराना। फाइनली दोस्तों हम लोग का सेटअप हो चुका है पूरा रेडी और रात का 10 बज चुका है, देख सकते हैं किस तरह से पूरा लाइटिंग हो चुका है। चलिए हम लोग को पूरा मैं दिखाता हूँ, एक एक छोटा छोटा जगह सब दिखाता हूँ आप लोग को, देख सकते हैं ऊपर पूरा कपड़ा बांधा गया है। अब ये भाई खोल रहे हैं क्योंकि सब लाइटिंग रेडी हो चुका है, तो ये हटा रहे हैं अब यहाँ से, ये अपना आउट करेंगे। हाँ हाथ में हिलावा ना, तो भाई ये लोग खाली हाथें हिलाते हैं, काम वह कम करते हैं, देख रहे हो ना। इधर पूरा ये सेटअप रेडी हो चुका है और इधर का भी खुलाएगा, फिर इधर अपना ये देखो ये कह रहा है हम लोग के लिए वीडियो में, देख रहे हो सब वीडियो में आने के लिए छटपटा रहा था अभी देखिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें पूरा के पूरा मैं एक एक चीज़ को दिखाया हूँ, हम लोग क्या करते हैं, कहाँ क्या सेटअप लगा हुआ है, क्या क्या हो रहा है। भाई कैमरे के पीछे की कहानी मैं बता रहा हूँ, जो मजदूर इसमें करते हैं, जो 250 मजदूर है, 200 मजदूर है, अभी सब अलग अलग, कोई लकड़ी काट के ला के यहाँ दे रहा है तो वो लगा रहा है, कोई सेटअप ये तैयारी कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। भाई अपना तो लाइटिंग पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हो जितना भी फ़ोन पर लगा हुआ है समझ जाओ सब लाइट वाले, हम लोग का सब रेडी हो चुका है, देख सकते हैं पूरा इधर का अपना सब रेडी हो चुका है। तो अभी जो भी है आर्ट वाला का है और सेटिंग वाले लोग का है, तो वो लोग अपना रेडी कर रहे हैं। इधर डिनो लगा है लेकिन अभी ऑन नहीं है, अभी ऑफ करवा दिए, 2 लगा है डिनो। दो नहीं 3 लगा है, 3
तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा खाली वीडियो ही बनाता हूँ क्या? तो भाई मैं वीडियो हमेशा नहीं बनाता हूँ, जिस टाइम मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम वीडियो बना लेता हूँ। और अभी फिलहाल देख सकते हैं मैं यहाँ पे ट्यूब लगा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल वाला काम करता हूँ, ट्यूब लगाना, कहाँ पर केबल लगाना, ये सब मैं जो भी काम रहता है वो मैं करता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी ट्यूब लगा रहा हूँ, और जो अभी ट्यूब मैं लगा रहा हूँ भाई वो काफ़ी महंगा ट्यूब आता है, 8 लाख का आता है। इसके लिए उसको मैं बहुत प्यारा से लगाता हूँ और उसको मैं ही चलाता हूँ भाई, और आदमी है चलाने वाला लेकिन ज़्यादा करके उसको मैं ही चलाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेहनत करने के बाद में अभी शूटिंग चालू हो चुका है, अभी आ चुके हैं विद्युत सर, आप लोग के सामने में यहाँ पर प्रेजेंट है देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर जो भाई एक बूम रखा है ना, इसको बूम बोलते हैं, और उसमें माइक लगा रहता है, जो सर बोलेंगे उसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये भी एक भाई वर्कर ही है, इनको भी पैसा ही मिलता है, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है भाई। वो सर जो है सामने देख रहे हैं वो डायरेक्टर सर है। रात के 3 स्पोर्ट्स के मैदान में खेल, चाहे साइकिलिंग का हो या स्केटिंग का, हार गए तो जान जा सकती है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि कितना यहाँ पे क्राउड है, मतलब कितना आदमी आया हुआ है काम करने वाला, देख सकते हैं शीशा, ये शीशा वाला भी एक अलग ही आदमी होगा जो इसको शीशा लाया होगा, फिर यहाँ काम करेगा, फिर यहाँ से वो अपना ऑफिस पे ले जाएगा। इसमें का पानी कहाँ से पानी निकाल रहा है यार, यही सब करोगे यार? गया 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 गया। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ऊपर सर चढ़े हुए हैं, उस मशीन का मालूम है कितना प्राइस है भाई? 80 लाख, 90 लाख, 1-1 करोड़ का वो मशीन आता है। और ऊपर अभी कैमरा लगा हुआ है सर, ये सर डीओपी है, काफ़ी नौजवान डीओपी है भाई, बहुत प्यारा डीओपी है यार। ऐसा डीओपी मैं अभी अपना लाइफ में नहीं देखा यार, इतना अच्छा डीओपी, सबसे प्यार से बात करने का, सबसे अच्छा से काम करने का, बहुत अच्छा इंसान है भाई। वैसे ये टीम में जो जिस प्रोडक्शन में हूँ हम लोग, इस प्रोडक्शन में सब कोई बहुत अच्छा है और सब कोई अच्छा से काम करता है, बहुत प्यारा है। दोस्तों मैं विद्युत सर के बारे में कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े एक्टर के साथ में काम कर चुका हूँ, सबसे मतलब बॉलीवुड के समझिए सब स्टार के साथ में, सलमान खान, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, सनी देओल, सबके साथ में काम किया हूँ, लेकिन इनका भाई सबसे अलग है। जब तक ले शॉट पूरा नहीं हुआ तब तक ले भाई बेनिटी में 2 से 3 बार गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो वहीं पे सेट पे ही ये बैठते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक शॉट दिया बेनिटी में घुस गया, एक शॉट दिया बेनिटी में घुस गया, नहीं भाई वहीं पर रहते हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? अभी से अच्छा क्या होगा? इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताओ, इतने साल से क्या जो हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग, आप कितना दिन से काम कर रहे हैं? नहीं यार, अरे शर्मा गए, शर्मा गए, ये इसका गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड। तो फाइनली नूरा फतेह आ गई और इनका शूटिंग अभी चालू हो चुका है, और एक क्रेक पिक्चर में काम की हुई थी, और इनका कौन कौन सा पिक्चर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे डिनो लगा हुआ है लाइव, और इधर अपना नोवा लगा हुआ है, और अभी शूटिंग चालू है। हाँ तो दोस्तों अभी शूटिंग चालू है, इसके लिए मैं वहाँ नहीं बोला, अभी मैं डबिंग कर रहा हूँ, और जो भी मेरे कान में आप देख रहे हैं वो बोलने वाला है, उसमें मेरे को नाम मालूम नहीं है, आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। और उसमें वो जो ऊपर दिख रहा है ना एक डंडा की तरह, उसको नीचे करके मुंह के साइड में बोलते हैं तो आवाज़ जाता है जो भी सुनने वाला होता है। और हमारे पास में है ये, अभी हम लोग उससे बात करते हैं कि हाँ कहाँ पर क्या लगाना है। अभी ये मेरे हाथ में ट्यूब है, अभी दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रस्सी की तरह रहता है, मतलब इसको खींचेंगे ठीक है, लॉक रहता है, टाइट हो गया, ये खुलेगा ही, निकलता ही नहीं है। तो इस तरह का एक यहाँ पर सब एक एक ऐसा इसे समा रहते हैं कि आप लोग पहली बार देखते हैं, इसको टाई लॉक बोलते हैं।
भाई अभी रात का 10:30 बज चुका है और विद्युत सर 9 बजे से सुबह अभी 10:30 तक ले काम किया भाई। इतना देर कोई आर्टिस्ट नहीं रुकता यार, इतना बड़ा बड़ा पिक्चर हम लोग किए हैं, वेब सीरीज किए हैं, लेकिन भाई इतना देर कोई भी काम नहीं करता है। बंदा भाई बहुत मेहनती है यार। हम लोग सोचते थे कि हम वर्कर ही काम करते हैं, लेकिन यार नहीं, वो भी बंदा हमेशा सीट पर ही रुकता है यार। भाई और एक्टर लेखन इनमें घमंड नहीं है यार। जैसे पैकअप हुआ है सबको बोले भाई जिसको जिसको फोटो खिंचवाना है आ जाओ, और ऊपर चढ़ गए हैं और बोल रहे हैं कि सबको खींचो फोटो, भाई मैं भी लिया हूँ। तो भाई इतना प्यारा इंसान नहीं यार, सब एक्टर में घमंड है, इनमें नहीं है यार। देख रहे हो भाई ऊपर चढ़ के सब कोई फोटो खिंचवा रहा है, मजा आ गया यार। तो फाइनली दोस्तों हम लोग का हो चुका है पैकअप, अभी रात का बज चुका है 11 और सामान वामान हम लोग लपेटना चालू कर दिए हैं। तो अभी मैं बता दूं कि आज हम लोग का कितना देर काम हुआ, तो आज हम लोग का डेढ़ शिफ्ट काम हुआ, मतलब डेढ़ शिफ्ट आज का काम हुआ और कल का हुआ एक शिफ्ट, और ढाई शिफ्ट काम हुआ। तो आज का हम लोग का पैसा बन गया 2250 रुपया और कल का बना 1500 रुपया। तो आप लोग अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं कि कितना हुआ। फिलहाल देख सकते हैं अपना जो भी सामान है सबको हम लोग साफ़ करेंगे, यहाँ से नीचे उतारेंगे, फिर गाड़ी पर लोड करके फिर हम लोग रूम पे जाएंगे। तो गाइस जब सूची समाप्त हो गया, देख सकते हैं पूरा खाली हो गया, ये कोई सामान अपने रखा हुआ है, ये मैं केवल बांध रहा हूँ। फिलहाल भाई पूरा समाप्त हो गया, केवल रहा अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। घर पे 11 बज चुका है भाई, देख सकते हो कैसा हाल हो चुका है। ये पैंट की दुकान मेरा कट गया भाई, काला बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है, देख सकते हैं सभी लाइट लगा हुआ है, छत पे भी हम लोग हैं भाई। इतना अंदर धूप था, गर्मी था, क्या बताऊं। ये देख सकते हैं पूरा लाइट इधर से इधर लगा हुआ है, इस सब प्रकार निकल गया है, यहाँ पे पूरा भी लगा हुआ है। और अभी हम लोग इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद में भाई यहाँ से हम लोग निकलते निकलते कम से कम तो 12-1 बज ही जाएगा, फिर जाके ऑफिस में जो भी एक्स्ट्रा लाइट रहेगा ना उसको निकाल के ऑफिस में रखा जाता है। तो फिर कितना समय होगा आपको पता ही है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को सब बताएंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं हम लोग पूरा इधर लाइट लपेट लिए हैं, ये देख सकते हैं किस तरह का लाइट रहता है, ये केबल रहता है, ये है लाइट देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा। तो ये है भाई एक फिल्म वर्कर का ज़िंदगी भाई। रात के अभी 1:30 हो चुका है, 30 मिनट नहीं कम ही हो रहा है, 1:00 कुछ हो चुका है, अभी हमने रूम पे पहुंचा है भाई। कसम से बहुत हमाल हुआ, बहुत मेहनत हुआ यार। और अभी देख सकते हैं रात में किस तरह का मुंबई का नज़ारा होता है, अभी मैं अपने रूम पर से दिखा रहा हूँ। ये हमारा रूम देख लो, एक आदमी यहाँ पर सोए हैं भाई, ये भी भाई यूपी के हैं। और देखो भाई ये खाना में क्या मिला है, खिचड़ी मिला है और 200 रुपया मिला है नाइट का, सबको मिलता है, तो वही खिचड़ी और 200 रुपया मिला है। तो खाना है तो खा सकते हो, नहीं तो अपना लेके आ सकते हो। तो मैं रूम पे लेके आ गया हूँ, अब आराम से यहाँ पे खाऊँगा फिर सोऊँगा। आप लोग नहीं विश्वास करोगे, इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ टाइम, ये देखो कितना टाइम हो रहा है, 1:24 हो रहा है। और हम लोग कल सवेरे 6 बजे के निकले हुए हैं, ठीक है, 2 दिन वहाँ पे शूटिंग है, तो परसों से ही शूटिंग चल रहा है, लेकिन मैं कल का बता रहा हूँ, कल सुबह हम लोग 6 बजे निकले हैं। और टूट यहाँ दर्द कर रहा है भाई, अभी देखो दवा भी लिया हूँ, ये देख सकते हो सर दर्द कर रहा है, दवा भी लिया हूँ, और बुखार जैसा पूरा हुआ है, अब आराम से खाऊँगा फिर सोऊँगा। अच्छा ये भाई रूम में क्या बनाया है देखता हूँ, मैं बोला था कि खाना बना देना, देखो ये चावल बना हुआ है, कोई बात नहीं इसको कल भूजूँगा आराम से खाना। ये देखो सब्जी भी बना के रखा है, वो अभी बनाया था तो अपना खा के सो गया, अभी मेरा हिस्सा है तो अभी ये मैं अभी खा लूँगा, क्योंकि अभी गर्म ही रखूँगा तो ख़राब हो जाएगा, और इसको रहने दूँगा, सुबह में खाऊँगा। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला सब दिखाया हूँ आप लोग को, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नए हैं आप लोग हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिल्म से जुड़े हुए और मुंबई की जो भी लाइफ स्टाइल है वो सब मैं बताते रहता हूँ, और हमेशा वीडियो ऐसा ही लाते रहूँगा। कश्मीर का भी वीडियो आएगा,
थोड़ा लेट सेट से आएगा क्योंकि उसको एडिट करना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत बड़ा मेमोरी में उसको डाला हूँ, अब उसमें से निकालना फिर एडिट करना काफ़ी टाइम लग रहा है, इसके लिए अभी उसको नहीं एडिट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।